तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52s वाला मॉडल है, जिसका अक्टूबर के अंदर सेकंड अपडेट आया था, सेकंड सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। उस अपडेट के बाद क्या हुआ है उसका रिव्यू करके बताने वाला हूँ उस अपडेट का। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट के रिव्यू के करके। तो उसके लिए मैं पहले जा रहा हूँ आपको सेटिंग पे। सेटिंग पे ले जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे आप, सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे। वहां पर आप देखेंगे लास्ट अपडेट, जो कि लास्ट अपडेट रोल आउट हुआ था अभी एक या दो दिन पहले। इसको रोल आउट किया गया था, जो कि 274 MB का ये अपडेट आया था। इस अपडेट में आप देखेंगे उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशली नहीं बताया कि इस अपडेट में उन्होंने क्या रोल आउट किया गया। सिंपल ही उन्होंने क्या बोला, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस हैड बीन इंप्रूव, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैड बीन इंप्रूव, ये जैसा कि उन्होंने यहाँ पर बताया। बट इस अपडेट के बाद मुझे दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो लगी। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा बग लगा वो था प्रॉक्सी सेंसर को लेके। अगर मैं किसी पर कॉल पे बात कर रहा था, तो अगर मैं ऑडियो पे बात कर रहा था, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉक्सी सेंसर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे, अगर मैं उसको कान पे भी लगा रहा हूँ तो भी वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। कभी कभार तो वर्क कर रहा था तो वो हिडन हटता ही नहीं था। ये मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, इशू लगा एक तो। उसके बाद बैटरी जो क्या बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं हीटिंग का इशू थोड़ा सा ज़्यादा लगा पहले से ज़्यादा। हो सकता है कि मैंने उस टाइम ज़्यादा यूज़ करा हो, बट मुझे लगा कि यार नाइट के टाइम यूज़ करा था, और नाइट के टाइम तो आजकल मौसम फिर भी चेंज है, बट वो कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा था। दो चीज़ें मुझे इस अपडेट के बाद लगी। और ओवरऑल चलने की तो बहुत, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चल रहा है। आप चलाएंगे तो आप बहुत इजीली ये चल रहा है, चलने में कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे जो चीज़ लगी मैंने आपको बता दिया। इस अपडेट के बाद मुझे यहाँ पर दो चार जो बग्स लगे वो आपको मैंने बता दिया। और इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस अपडेट पर मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि इसमें 5G का जो आपने देखा होगा सैमसंग के हेडसेट में, जो 5G इनेबल बताता था बट सॉफ्टवेयर इनेबल नहीं बताता, वो यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया था इस अपडेट के बाद। या भी बोल सकते हैं इस अपडेट का मेजर पॉइंट यही था कि 5G सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया जाए सारे सैमसंग गैलेक्सी में या फिर A52s वाले मॉडल पे। मेरे साथ तो ये वर्किंग पे आ चुका है, बट मेरी सिटी पे नहीं है। मैं आपको तब भी वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर एयरटेल की थैंक्स ऐप में। एयरटेल की थैंक्स ऐप में आ चुका हूँ। एयरटेल की थैंक्स ऐप में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चेक योर एजेबिलिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, चेक योर फोन इज 5G इनेबल्ड ऑर नॉट। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपको बता देगा। पहले क्या हो रहा था, मेरा 5G इनेबल्ड बताता था हैंडसेट, बट सॉफ्टवेयर फेल बताता था। बट अब यहाँ पर आप देखेंगे 5G हैंडसेट इज सपोर्टेड और 5G सॉफ्टवेयर हैज बीन सपोर्टेड, दोनों चीज़ें काम करने लग गई है। यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ करके या ग्रेट न्यूज़ करके एक ऐसा यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे मेजर अपडेट लगा इस अपडेट में। और ओवरऑल मुझे इस अपडेट में दो बग्स लगे, जो कि मैंने बताया, एक प्रॉक्सी सेंसर का और एक आपका वहाँ पर हीटिंग का। बाकी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ चल रहा है। बैटरी ड्रेनिंग का भी थोड़ा सा इशू है यार। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर सेटिंग पे जाके डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे, तो आप देखेंगे इसकी जो बैटरी की जो स्पीड है चलने की थोड़ी सी वो भी यहाँ पर कम हो चुकी है। तो मैं आ गया हूँ बैटरी पे। बैटरी पे आएंगे तो आप देखेंगे बैटरी चलने का जो वो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा कम करा है। तो ये दो तीन चीज़ें मुझे बग्स लगी। ओवरऑल एक कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें 5G का जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो मैंने बताया आपको नहीं आया है, ये सब ऐसा ही है। बट ये रियल में 5G का अपडेट आ चुका है, जो कि मैंने आपके सामने चेक करा। और जब मैंने वीडियो बनाई थी सॉफ्टवेयर अपडेट की, उसमें तो मैंने करेंटली पहले कभी चेक नहीं करा था, अपडेट होने के बाद तुरंत ही चेक करा और वो वहाँ पर मुझे मिल गया था। तो यही था अपडेट में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों वीडियो कुछ कमी है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।